अपना मन, आज अभी तक कायनात आई नहीं है तो मैं उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करी हूँ जो कि वो आपको भी अभी नहीं बताऊंगी। जब कायनात आएंगी तभी आपको भी पता चलेगा कि वो क्या सरप्राइज है, और देखते हैं ये सरप्राइज कैसा लगता है कायनात को। ये अभी तक घर में किसी को भी नहीं पता है, कायनात को क्या, चाचा लोग को किसी को भी नहीं पता है, ये सबके लिए ही सरप्राइज है। आगे देखते हैं क्या होता है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, संडे का दिन पता नहीं क्यों मुझे एकदम ऐसा सुस्तड़ जाता है, बोरिंग एकदम। और अभी भी मेरा मूड, अभी से मेरा मूड वैसा हो गया है, बोरिंग जैसा। मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा, और मौसम भी वैसा हो गया है, बारिश एंड बारिश बस। यहाँ मैं भाभी को अभी देखते बैठी हूँ, भाभी अपने बर्तन धो रहे हैं। और गाइस, मेरे को पता नहीं क्या लग गया है, खून जम गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी चमड़ी निकल रही है और अब मेरे को वो इरिटेट कर रही है। और गाइस, प्लान बना था हम सब फ्रेंड लोग का मिलने का, लेकिन मैं बोली ना, मेरा आज मूड एकदम बासठ हुआ हुआ है, पता नहीं क्यों। मैंने लोग को भी ऐसी मूड खराब है, और ये ऐसी फालतू जोक मार के मेरा मूड और ख़राब कर रहे। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि फ्रेंड लोग बोले थे मिलने का, मैंने उन लोग को भी मना कर दी। अभी देखो, मैं बोली तो हूँ यहाँ आओ नागपड़ा पे, देखते आते या नहीं आते। और जैद फात को भी फ़ोन की, वो लोग का भी कुछ आता पता नहीं है, आ रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, देखते कौन आता है, क्या होता है आगे। तो गाइस, इसमें मेरे चाचा भी शामिल है सरप्राइज में, जो कि किसी को पता नहीं चलने वाला है ना जी चाचा, किसी को नहीं बताना है तुमको, ठीक है। तो गाइस, फहद आ चुका है मेरे साथ बोर होने के लिए। चलो लूडो खेलते। गाइस, ये लूडो खिलाएगा मेरे को, ठीक है, लेकर आ का लूडो। तुम्हारे फोन में खेलते, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, भाभी ने कुछ सरप्राइज रखे हैं, क्या पता, बस बोले सरप्राइज है सरप्राइज है, अब भी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़े टाइम में मालूम पड़ेगा। देखो क्या लग रहा है, देखो क्या लग रहा है, नहीं मालूम क्या, मैं था ही नहीं इधर, मतलब दिमाग में आ रहा होगा ना कि क्या हो सकता है, खाना हो सकता है, है ना, मेरे को भी वही लग रहा है, खाने की चीज ही हो सकती है। जैद का है, सो गया, सो रहा है अब भी, तो सोया है बिस्तर पे लेट गया डायरेक्ट। अच्छा, वहाँ क्लास गया था, नहीं आज छुट्टी है, कैसे जाएगा, वो बोलता रहती है, नहीं सोया है, देखते क्या सरप्राइज होता है, जब तक हम लोग दोनों लूडो खेलते। गाइस, भाभी ने पता नहीं क्यों यहाँ पे बिठा दिए, समझ के बाहर है और वहाँ से लोग खड़े रह के देख रहे, लेकिन मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ खाने का ही है, जब ही ऐसे बिछा बिछा के बिठाए हो। पता लगा गाइस, इन्होंने फहद को भी अपनी टीम में ले लिए। जैद को फ़ोन करो, नहीं उठा रहा है वो फ़ोन। इस भाभी ने तो अब तक कुछ भी बताया नहीं है क्या है सरप्राइज, और यहाँ पे जैद आ चुका है, और जैद बेचारा बीमार है। जैद उठो भाई, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लान बना रहे थे पिक्चर जाने का आज, स्त्री मूवी। तो मैंने इसको पूछी कि तू तो नहीं चलेगा, तो एकदम से हाँ नहीं चलूँगा, पहले तो यूँ बोला, तो भाभी बोले देगा पक्का, बोल तू नहीं चलेगा ना, तो बोलता है नहीं नहीं चलूँगा ना चलूँगा। हाथ तो लग गए।
तो गाइस शायद इसको भी टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, ब्लड टेस्ट है, वायरल बहुत चला है तो इसको भी टेस्ट करा के देखना पड़ेगा कहीं मलेरिया तो नहीं है इसको भी। तो वो तो अब कल ही होएगा क्योंकि आज संडे, सब डॉक्टर्स छुट्टी पे, अब तू ऐसे ही रहे। इसकी हालत देखो एकदम खतरनाक हो गई है, उठने के लायक भी बुड्ढा लग रहा हूँ मैं। बैठ इधर ही, कहाँ जा रहा है अभी? ठीक है तो तो गाइस अभी मैंने बुक कर दी ऑनलाइन टिकट्स और 11:15 की है, पौने ग्यारह बजे की है। तो यस आई एम वेरी एक्साइटेड, कल ही हम लोग स्त्री का फर्स्ट पार्ट देखे और आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे और सब चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग अनीश चाचा को भी लेके जा रहे हैं हमारे साथ में, तो देखते चलते कि नहीं उनको बिना बोले मैंने और भाभी ने टिकट बुक कर दिए। अब लेट्स सी चलते हैं या फिर पैसा डुप्पल होता है, तो देखते क्या होता है। गाइस भाभी ने जो सरप्राइज दिए वो ये है, अखी चिकन। ओह माय गॉड, बहुत ही अलग और यूनिक। पहली बात तो ये अखा चिकन देख के फिर तो इतना उससे बन गया, गल गया, वाओ। बनाना था मेरे को लेकिन थाला नहीं था मेरे पास, इसलिए उसको पतीली में शिफ्ट कर दिया। चलो अभी जल्दी से खाते और भागते पिक्चर के लिए। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और अनीश चाचा नहीं बोल के यस रेडी हो गए है ये। तो अभी हम लोग वैसे ही बहुत लेट है, 10:42 हो रहा है और 10:45 का शो है, सब वेट कर रहे हैं। चलो चलते गाइस, हम लोग आ गए और ऐसे भगाते हुए आए, लेट हो गए यहाँ पे, देखो सब अंदर चले गए, भागो जल्दी जल्दी भागते अंदर, छूट गई है थोड़ी बहुत पिक्चर तो। हाँ पापा लोग भी आ गए। क्या हुआ रुद्रा भैया, क्यों अपने पंचिन का कार्यक्रम छोड़ के आ गया हमारे पीछे पीछे? रुद्र भैया नहीं, मैं हूँ। आज शाम का रंग का कोटा नहीं लगाया? तो गाइस बहुत अच्छी मूवी थी है ना, अभी कैसी थी, कैफी का है गाइस, कैफी तो ऐसी खुश हो गई क्योंकि वरुण धवन आ गया था उसमें। तो गाइस अभी हम लोग फिल्म देख के जा रहे हैं घर और यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में।